ये भाई पलमा बाजार भाई, गर्मा गर्म उनके पास समोसा है। अब भैया क्या का बना था? 5 रुपया किलो है भैया। भैया 10 रुपया के बीच है। ये से मन देहा था आलू 500 रुपया 50 रुपया 10 रुपया का है। नहीं, 5 रुपया है तो तुम्हारा कैसे 10 रुपया होगी? कौन सा आलू है भैया बता दीजिए। लाल आलू है। लाल गुलाल है। एक महीने का फुल गारंटी, मतलब एक महीने गल जाता है कुछ भी हो जाता है घर से वापस ले लूंगा माल। ऐसे मतलब अगर कुछ भी हो जाता है घर में मेरा टॉप सामान रहता है ऐसे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहर और हमारे YouTube चैनल मोहर राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज दिन है सोमवार और हम आ गए हैं पलमा में। और सोमवार के दिन पलमा में बहुत ही सुंदर मार्केट लगता है। तो चलिए दोस्तों आप सभी को आज पलमा मार्केट दिखाते हैं जो हमारे पीछे साइड है। तो चलिए आप सभी वीडियो पर बने रहिए, हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। देखिए भाई पलमा बाज़ार बहुत ही ज़बरदस्त रोड के किनारे यहाँ पास पलमा बाज़ार बैठता है। और भैया लोग यहाँ पास होटल है भैया लोग का, जो हम लोग को मिले थे हम लोग को पकनी में मिले थे और भैंसा मुड़ा में मिले थे। तो चलिए इनसे अभी पूछते हैं। अब भैया समोसा बना रहे हैं और देखिए भाई गर्मा गर्म उनके पास समोसा है और आलू चाप है और इधर चटनी भैया लोग बनाए हैं। अब भैया बाज़ार कैसा है यहाँ का बताइए कुछ। मार्केटिंग डाउन है। और भैया ये देखिए यहाँ का बाजार। और देखिए ये वाला रास्ता आपका प्रतापपुर रोड है भाई, मतलब ये सामने वाला रास्ता प्रतापपुर रोड है। और इस साइड जाइएगा तो ये मिलेगा आपको, मतलब ये है भैया थान ना, भैया थान रास्ता है, भैया थान वाला है ना, हाँ भैया थान रास्ता है भाई ये वाला। और इधर है प्रतापपुर और यहाँ से महज प्रतापपुर पास में ही होगा ना भैया, हाँ 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर शायद इधर भी वही, इधर भी भैया थान है और ये मेन रोड है भाई। और देखिए मेन रोड के किनारे यहाँ मतलब पलमा में बाज़ार लगता है, देखिए ज़बरदस्त। और देखिए भैया लोग यहाँ पास दुकान वकान लगाए हैं। और ये भैया यहाँ पास, अब भैया का बना था, कैसे बना था भैया पान? हाँ जर्दा मीठा, मतलब 10 रुपया। और चलिए भाई आगे साइड चलते हैं और इधर दिखाते हैं, इधर भी और इधर सब्जी उब्जी है भाई। अब भैया टमाटर कैसे लगा है आज? 15 रुपया किलो है। ये देखिए भाई 15 रुपया किलो दे रहे हैं। हाँ अब भैया तुम आलू कैसे लगाए हा? 20 रुपया। तुम्हारे से कैसे यार लौकी तो 5 रुपया किलो है भैया। और यार भैया लौकी है 20 रुपया। और ये पार का कैसे रेट है भैया? 20 रुपया है। ये देखिए भाई और ये मेन रोड है, यहाँ देखिए बहुत गाड़ी चलता है ना भैया, तो इसमें पूरा एकदम भीड़ लग जाते हुई समय गाड़ी उड़ी जाम हो जाते, जाम हो जा रहे थे। देखिए भाई और यार का लागे करील है, करील है भाई। चलिए आगे साइड चलते हैं और इस साइड भी दिखाते हैं। अब भैया ये फूल ये कैसे लगाया है भैया? चैनल कौन सा आपका? अरे यार कैसे बंडल बांधे है भैया? 10 रुपया के बीच है। ये जबरदस्त रेट है यार, 10 रुपया के 2 ठे 5 रुपया मतलब बंडल है ना भैया। और चलिए भाई इधर दिखाते हैं, इधर करेला रखे हैं भैया लोग। अब भैया करेला कैसे है? 40 रुपये है। और यहाँ पर देखिए भाई मूँगफली दे रहे हैं। अब भैया कैसे बंडल बांधे या? 50 रुपया। और प्याज ला कैसे दिया था भैया? 30 रुपया है, 30 रुपया भाई। अब भैया तू का लगाया है? और चलिए भाई इधर भी दिखाते हैं और इस साइड देखिए भैया लोग यहाँ पर ये लाए हैं भाई आंवला। आंवला कैसे दिया था भैया? आंवला है भैया 50 रुपया। 50 रुपया। और गाजर कैसे दिया था भैया? यहाँ 70 रुपया किलो है भाई गाजर, 70 रुपया है। और इधर देखिए इधर भैया लोग पूरा लगाए हैं और इधर भी होटल है भाई। और चलिए आगे साइड चलते हैं और आगे साइड भी दिखाते हैं, इधर भी पूरा एकदम। और यहाँ पर फूल गोभी हम लोग को फिर दिख गया। अब भैया फूल गोभी कैसे लगाया है? 100 रुपया है, एक नंबर रेट भाई। चलिए यहाँ पर और भैया लोग, अब भैया केला, ये केला कैसे दिया था? अरे सेब भैया 100 रुपया है, एक नंबर रेट है भाई। और देखिए यहाँ पर किराना दुकान है भाई, सब यहाँ पर किराना दुकान है। और सामने महुआ हुआ बेच रहे हैं भैया लोग और इधर भी पूरा एकदम।
बाबा लोग लगाए हैं भाई। और यहाँ से मार्केट मतलब यहाँ से लास्ट हो जाता है और हम लोग को उस साइड जाना है। और देखिए भाई इधर पूरा एकदम गाड़ी उड़ी पूरा एकदम रखा हुआ है, और इधर तक पूरा और हाट बाज़ार भी यहाँ पास लगता है भाई, मेडिकल। और देखिए इधर से, और इधर बहुत बड़े बड़े गाड़ी आता है भाई। और चलिए यहाँ पास ये रहा फुल्की चाट भाई यहाँ पास। अब भैया दस का कितना फुल्की दे था? छठ हो। और एकदम चना मुर्रा सब रख लिया है भैया? ये देखिए भाई, भैया चना मुर्रा पूरा एकदम रख लिए हैं यहाँ पास। और दस का छः फुल्की देते हैं यहाँ पास, लोकल भी रखे हैं मतलब, और चाइना फुल्की दोनों रखे हैं, एक नंबर है भाई। और चलिए इस साइड चलते हैं, और इस साइड भी अभी दिखाते हैं भाई। ये देखिए मूली है यहाँ पास। अब मूली किसे दिया था भैया ये वाला? दस। चलिए आगे चलते हैं और आगे साइड दिखाते हैं। अब भैया भाजी कैसे है? आप कहाँ लाए हैं? तो टमाटर और ये लौकी लाए हैं। लौकी कैसे दे रहे हैं आप? 20 रुपया फल है, 20 रुपया फल दे रहे हैं भाई भैया यहाँ पास। और इधर देखिए आलू, लोकल आलू है, और यहाँ पास टमाटर बहुत ज़्यादा है। अब भैया टमाटर तुम्हारे कैसे है? 20 रुपया कहाँ से लाए हैं भैया? रेसरी रे, एक नंबर रेट है भाई। अब भैया तू भाजी कैसे लगाए हा? 10 में 4 है, और एकदम ट्रे में पूरा ले आ रहे हैं भैया। और चलिए भाई आगे साइड चलते हैं, और आगे साइड भी दिखाते हैं, इस साइड भी मतलब इधर पूरा एकदम भैया लोग ला के रखे हैं भाई इधर। और रोड के किनारे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है मतलब इधर। और अभी तो बोल रहे थे कि अभी मतलब टाइम नहीं हुआ है, और टाइम जब हो जाता है शाम के वक्त तो ज़्यादा भीड़ लगता है। और यहाँ पर भाटा दिख गया। अब भैया भाटा कैसे दे रहे हैं? आटा 40 रुपये है, आटा 40 रुपये है भाई। देखिए भाई इधर पूरा एकदम भैया लो सब्जी। और इधर देखिए चप्पल जूता दुकान है एक ठो, मतलब बेकार चप्पल जूता है। और इधर देखिए दस दस रुपया का दोना में रखे है। देखिए भाई इधर तुम्हारो 10-10 रुपया का है? 5 रुपया है, तो तुम्हारा कैसे 10 रुपया होगी? हाँ ये देखिए भाई ये भी 10 रुपया है शायद। चलिए आगे चलते हैं, और आगे साइड भी इधर दिखाते हैं, इस साइड भी पूरा यहाँ। देखिए 10-10 रुपया 5-5 रुपये में मतलब यहाँ मसाला बेचते हैं भाई लोग। अब भैया फुल्की कैसे लगा था तुम? 10 का 7 है, एक नंबर रेट है भाई यहाँ। 10 का 7 फुल्की लगाते हैं भैया लोग। और चलिए आगे साइड। अब भैया तुम कहाँ लगाए हैं यहाँ? चना उना है एकदम, अभी में तो चना उना पूरा एकदम इमें कहाँ रखे है भैया? चना है, भाफल वाला चना है भाई। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, तार चूस मिलेगा यहाँ पर, बीज वाला दुकान है भाई। और इधर कपड़ा दुकान है, इस साइड आपको देखने को मिलेगा। और चलिए आगे और जाते हैं, और आगे साइड भी अभी दिखाते हैं, इस साइड भी। और इधर देखिए सामने दिख रहा है, उधर पूरा चूड़ी दुकान है मतलब किनारे में। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर टार्च उच सब मिल जाएगा। और चलिए आगे साइड चलते हैं भाई। ये देखिए इधर भी पूरा एकदम मनिहारी दुकान है इस साइड। और यहाँ पर किराना दुकान है भाई, किराना है। और यहाँ पर भी एक होटल है। और चलिए आगे साइड चलते हैं, और इस साइड देखिए, इस साइड भी नज़ारा दिखा देते हैं। और इधर देखिए इधर पूरा रोड के किनारे यहाँ मार्केट लगता है भाई। और देखिए यहाँ पर पान बन रहा है, और यहाँ पर किराना दुकान है इस साइड। और चलिए आलू बीज साइड चलते हैं और दिखाते हैं। और रोड अभी बनने वाली है भाई, और बहुत ज़्यादा धूल है यहाँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा धूल। और चलिए इधर आलू का रेट भी पूछेंगे भैया लोग से। इधर देखिए भाई इधर पूरा आलू रखे हैं। अब भैया आलू कैसे मन दे रहे हैं? 500 रुपये मन है भाई। और चलिए इधर भैया से एक और पूछते हैं कैसे मन दे रहे हैं यहाँ पास।
और भैया तू कैसे मन देहत आलू? 500 रुपया। और का आलू मिल जाए भैया तुम्हारे जा? लाल गुलाल ही है भाई। लाल गुलाल है बस। और कहाँ कहाँ मार्केट जा था भैया? सब जगह। सब जगह मतलब ये का आस पास में? और बता दिया का दुकान नाम? बता दिया जिसे इक्का दुकान नाम है। पत्नी है, कल पत्नी है, फिर उसके आगे दिन चंद्र में रहा। चलिए भाई और इधर देखिए, यहाँ से मतलब मार्केट समाप्त हो जाता है इस साइड से, और चलिए इस साइड चलते हैं और इधर भी पूछते हैं। आ भैया, आलू आज कैसे दे रहे हैं, कैसे मन है बीज वाला? आज 560 रुपया मन है। और कौन सा आलू है भैया बता दीजिए? लाल गुलाल आलू है। लाल गुलाल है, एक महीने का फुल गारंटी। मतलब एक महीने चल जाता है, कुछ भी हो जाता है घर से वापस ले लूंगा माल। ऐसे मतलब अगर कुछ भी हो जाता है घर में मेरा टॉप का माल रहता है ऐसे। और कहाँ से लाए हैं भैया, एक बार और बता दीजिए? कानपुर का आलू है। मानपुर से? कानपुर से, यूपी कानपुर से आया है। वहाँ से लाते हैं भैया आप लोग? वहाँ से ट्रक लगता है। हाँ, और खुला में कैसे मिल जाएगा भैया? खुला मतलब? हाँ हाँ। और देखिए भाई यहाँ बस जा रही है एकदम, और रोड के किनारे देखिए मार्केट है, और ये देखिए बस। चलिए ठीक है भैया, आगे साइड चलते हैं। चलिए भाई आगे साइड। हाँ चलिए ना, ठीक है। और नंबर बता दीजिए भैया एक बार किसी को। हाँ थोक या फुट? हाँ हाँ मतलब थोक या फुटगर दो? सब मिल जाएगा। हाँ चलिए ठीक है भैया। चलिए भाई आगे साइड चलते हैं और आगे साइड भी इधर दिखाते हैं। और हमारे पीछे साइड से यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट मतलब समाप्त हो जाती है इस साइड से। और चलिए इस साइड चलते हैं आगे की ओर, और इधर दिखाते हैं इस साइड रोड के किनारे। और यहाँ पर देखिए भैया यहाँ सिलाई उलाई कर रहे हैं। और देखिए भाई इधर, और डमरू वाले भैया जो हम लोग को वहाँ चंद्रमेढ़ा में मिले थे। और यहाँ पर जूता चप्पल दुकान है भाई भैया लोग का। हाँ भैया दुकान वकान लग गया है, लग रहा है एकदम जबरदस्त। हाय बोल दो। हाय, ये देखिए भाई इनका दुकान जबरदस्त है। अच्छा हाँ, हाँ भैया का का बेच रहे हैं? मिठाई वगैरह बेच रहे हैं। मिठाई उठाई बेचते हैं? खुरमा सलोनी है सब। ये कितने कितने का है भैया? 10-10 का है पूरा। 10-10 का लगाए हैं? पूरा 10-10 का है। 10-10 रुपये का। जलेबी कैसे पीस देते हैं भैया? 10 का जलेबी 10 में 4 का। 10 का 4 हो एकदम। कितने कितने का है वो पैकेट है? 10 रुपया पैकेट। 10 रुपया पूरा पैकेट है। चलिए ठीक है भैया, ठीक है। और चलिए भाई आगे साइड, इधर किराना दुकान है एक साइड। और चलिए और यहाँ पर से देखिए ग्रामीण लोक सेवा केंद्र पलमा। और चलिए आगे साइड चलते हैं और आगे साइड भी साइड दिखाते हैं। और हम लोग तो दिखाए थे इस साइड भी आपको कि दोनों साइड यहाँ मार्केट लगता है। और इधर देखिए, इधर भी मनिहारी दुकान है भाई यहाँ पास। और इधर छोटा मोटा पुस्तक दुकान है यहाँ पास। और देखिए इधर कपड़ा दुकान है यहाँ पास। और यहाँ भी कपड़ा दुकान है एकदम, भैया लोग दे रहे हैं अभी। और चलिए आगे साइड, इस साइड अभी दिखाते हैं, इस साइड भी बस। अब भैया कैप कितना का है? 60 रुपये है। 60 रुपये का कैप है। अब भैया तुम ले था का? पसंद आते थे? अब अभी तो खुलवा। कितना वाला ले था भैया तुम? 700 रुपया वाला। जबरदस्त है भाई, कौन सा है दिखा दिया भैया। अरे वाटर प्रूफ वाला है ये, देखिए भाई भैया लोग ले रहे हैं यहाँ बस। जबरदस्त है, इधर बैग पूरा दुकान है। और इधर देखिए भाई झोला उला मिलेगा आपको यहाँ बस। और सामने एक मतलब कपड़ा दुकान है। चलिए आगे साइड अभी चलेंगे उस साइड, उस साइड भी अभी दिखाएंगे। और चलिए भाई इस साइड दिखाते हैं, इस साइड देखिए इधर पूरा एकदम रोड के किनारे। और यहाँ ज़्यादा इससे ज़्यादा भीड़ नहीं लगता है। और यहाँ पर से एक मतलब इधर भी कपड़ा दुकान है भैया लोग का यहाँ पर बगल में। और इधर पूरा एकदम सज्जा उज्जा लगा लिए हैं भैया लोग। और यहाँ पर देखिए इधर
पूरा एकदम रखे हैं भाई। ये इस साइड चलते हैं और इधर भी दिखाते हैं, और इधर पूरा एकदम है भाई, मतलब इधर पूरा आपको देखने को मिलेगा, होटल उटल है पूरा एकदम भैया लोग का। तो देखिए भाई यहाँ पर समोसा मोसा बन रहा है एकदम। ये भाई आगे साइड चलते हैं और आगे साइड इधर पूरा अभी मतलब दिखाते हैं, और यहाँ भीड़ भी नहीं लगता है भाई। ये देखिए मार्केट में रोड के किनारे हैं, मतलब यहाँ से लेते हैं और चले जाते हैं अपना अपना लेके, और इधर चिकन मटन बगल में मिलता है भाई, और यहाँ अपना अपना सब लेते हैं उसके बाद निकल जाते हैं अपने घर। और सामने वाला रास्ता जो दिख रहा है जाता है प्रतापपुर की ओर, और हमारे पीछे और जो रास्ता है वो जाता है भैया थान की ओर। और देखिए भाई यहाँ से गाड़ी उड़ी पूरा एकदम हमेशा आता ही रहता है इधर पूरा एकदम। भाई बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है यहाँ इस मार्केट में। और चलिए इधर से चलते हैं, और घर साइड भी हम लोग को निकलना है भाई अभी, मतलब घर साइड भी। और देखिए इधर बहुत ही दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा भीड़ है एकदम, और शाम के वक्त 5 भी बजने वाली है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और अभी हम लोग भीड़ दिखा रहे हैं आप सभी को, फर्स्ट में आए थे मतलब फर्स्ट टाइम, तो वहाँ उतना भीड़ नहीं था, लास्ट मतलब ये यहाँ से अब लास्ट हो जाएगा मतलब भीड़ यहाँ से। ये देखिए भाई पूरा दोनों साइड एकदम भीड़ है, मतलब यहाँ रोड के किनारे, और देखिए ट्रक भी जा रहा है भाई मतलब सामने, और ये मेन रोड है ना यहाँ का, मतलब भैया थान और प्रतापपुर का मेन रोड है। और देखिए बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है भाई, और हम लोग का पूरा एकदम मतलब बाल एकदम खराब हो गया है, सब धूल ही धूल एकदम। और देखिए यहाँ का भीड़, और हम लोग यहाँ से वीडियो बनाते बनाते हम लोग हर साइड भी निकल जाएंगे भाई। देखिए इधर पूरा एकदम, रोड के किनारे पूरा मार्केट है भाई, और इधर कोसना मिल रहा है उस साइड, बस एक ही कोसना वाले हैं यहाँ, मतलब ये उतना भी मतलब उतना बड़ा बाज़ार भी नहीं है ना, उतना छोटा भी नहीं है, मतलब मीडियम क्लास का बाज़ार है, और रास्ते भर के मतलब दोनों साइड लगता है इसलिए पता भी नहीं चलता है। और देखिए इधर पूरा एकदम पेड़ के किनारे, और वहाँ एक घर के नीचे भी है भाई। और चलिए यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे भाई, और हम लोग का बाइक एकदम आगे है वहाँ इस साइड, और बहुत सावधानी बरतना रहता है भाई मतलब यहाँ भी मार्केट में। चलिए अब पहुँचने वाले हैं हम लोग भी, फिर वहाँ से हम लोग का वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हम लोग किस बाज़ार से निकल रहे हैं घर, और अगला वीडियो आप किस बाज़ार का देखना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।